टीम ने गुरुवार को वाराणसी की अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उससे और एक दिन सुनवाई नहीं करने को कहा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। सुनवाई से ठीक पहले हिंदू पक्ष ने जवाब दाखिल करते हुए दावा किया कि हिंदू सदियों से उसी स्थल पर अपनी रीतियों का पालन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। औरंगजेब ने कोई वक्फ स्थापित नहीं किया था। विवादित जगह मस्जिद नहीं है। वहीं शीर्ष न्यायालय ने इसकी सुनवाई गुरुवार को टाल दी क्योंकि एक वकील बीमार है। हिंदू याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने कहा कि वाराणसी की अदालत अब 23 मई को सुनवाई जारी रखेगी।